दिसंबर से 38 दिनों के बाद शनि ग्रह अंधा हो जाएगा, नहीं देख पाएगा। तो 9 राशियों वाले बहुत लाभ में रहेंगे और 4 राशि वाले क्षति में रहेंगे। यह सब एक बंधे क्रम से समय के अनुसार होते रहता है। जब शनि का जन्म हुआ था तो उसके पिता को बहुत खुशी हुई। रथ पर सवार होकर पिता अपने बेटे को देखने गए। सबने शनि को देखा तो शनि का कुछ नहीं बिगड़ा। शनि ने अपने पिता के तरफ में देखा तो कुछ लोग से पिता पीड़ित हो गए और साथी के तरफ में देखा तो साथी विकलांग हो गया, हिलना डुलना बंद। और रथ के घोड़ों को देखा तो सभी घोड़े अपीड़ित हो गए। तो शनि का देखना अच्छा नहीं, उसका अंधा हो जाना नहीं देखना। एक बार राजा दशरथ इतने पुण्य प्रतापी थे कि देव लोक में देवताओं की सहायता के लिए जाया करते थे। आवाहन करने पर देवलोक गए और दैवासुर संग्राम में देवों की जीत हुई। महाराज दशरथ की सहायता देवताओं ने बहुत उपकार माना, बहुत इनाम दिया। जब वे वहां से लौट रहे थे अपने लोक में तो रास्ते में देव मिले। देव ने दशरथ जी की बहुत प्रशंसा की, लेकिन वह फिर दिखाए हुए था। दशरथ जी ने कहा, तुम इतनी बात मनाते हो, अरे देखते नहीं हो क्यों दिखाए हो, तुम कौन हो? तो उत्तर मिला, मैं शनि देव। जो मैं आपको देख लूंगा तो आपकी हालत अच्छी नहीं। दशरथ जी बड़े बलवान थे, उनको अपने बल पर विश्वास था। उन्होंने कहा, मेरी तरफ देखो तो सही। जैसे शनि ने उनकी तरफ में दृष्टि डाली तो उनके देह काटे पड़ने लगे और वे मूर्छित होकर गिरने वाले थे। जटायु पहुंचे और दोनों पंजों में दबोच कर उड़ते उड़ते पहाड़ की ओर में चले गए, जहां शनि की दृष्टि नहीं। तब तुम्हें होश संभाल और होश संभालते संभालते इतने देर लग गई। जब अयोध्या की रात गद्दी पर बैठा गया तब होश हुआ, पता नहीं कमर कहां देखते सुन यहां करके पहुंच गया। तो जटायु ने सब बातें बताई। दशरथ जी ने बड़ा उपकार माना। जटायु और दशरथ जी की मैं साथ किया था और वो भी शनि जटायु तरफ में देखा, जटायु का कुछ नहीं दिखा। तब महाराज दशरथ ने कहा कि मित्र, आपने मेरी बहुत सहायता की।
शनिवार के दिन हनुमान जी के पूरे शरीर में
तेल और सेंदूर का लेप लगाया जाता है। तो आप भी शनिवार के दिन तेल जरूर लगाएंगे, चाहे सेंदूर का लेप नहीं करेंगे, लेकिन तेल जरूर लगाएंगे शनिवार। शनिवार के दिन तेल लगाएंगे तो शनि के बाधा से बचे। तेल कहाँ लगाना है? नाभि में जरूर लगाना है। थोड़ा सा तेल लेंगे हाथ में, तरफ में अंगुली मिला के नाभि में लगाएंगे, इधर उधर घुमाएंगे, उल्टा घुमाएंगे, तेल लगाएंगे नाभि केंद्र शरीर का। बचपन में मोहित से पाल पोषण दृढ़ता होता है। नाभि में तेल लगाएंगे तो पूरे शरीर को फायदा होगा और आपको विशेष फायदा होगा। शनिवार के तेल शुद्ध करु का तेल जरूर लगाएंगे, बहुत फायदा होगा। नाभि में लगाएंगे, तब कहा लगाएंगे, सिर में लगाएंगे, तब तलवा में जरूर लगाएंगे। तलवा में तेल लगाएंगे तो पूरे शरीर फायदा होगा, आपको विशेष लाभ होगा, लगवा बदल जिंदगी पाएगा। जब बीमारी होती है तब लोग तलवा में तेल लगाते हैं, लगाएंगे पहले से बीमारी होगी नहीं। तलवा में तेल जरूर लगाएंगे। तेल लगाना है नाभि में, लगाना है सिर में, लगाना है तलवा में, लगाना है नए समय है तो समय है तो पूरे शरीर में तेल लगाना है। आप नहीं लगाना है, आप में घी डालना है शुद्ध घी, आपने तेल नहीं लगाना है। हाँ, करो तेल और हल्दी मिला करके दांतों की सफाई जरूर करनी है। तो इस तरह से करेंगे व्यवहार तो शनि के प्रभाव से बच कर रहेंगे, स्वस्थ रहेगा। तो शनि की अनुकूलता में शरीर स्वस्थ होता है और कुल धर्म के पदाधिकारी बनते हैं, जस मिलता है। और शनि की प्रतिकूलता में लोग शराबी हो जाते हैं, जुआनी हो जाते हैं, समझाए नहीं समझते हैं। तो इस तरह से उसकी अनुकूलता प्रतिकूलता होती है। इस संयोग से 26 दिसंबर का बात करी अंधा हो जाए। श्री सरू।